हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोटिव 007। क्या आपने किसी कार के बारे में सुना है जो अपने बॉडी के डैमेज एरिया को खुद से ठीक कर सके? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको उसी कार के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि वो कार ऐसा कैसे कर लेती है। तो बने रहिए वीडियो में आगे तक। ये बात कुछ साल पहले की है जब लेम्बोर्गिनी के कुछ इंजीनियर्स और MIT के रिसर्चर्स ने एक साथ पार्टनरशिप की और एक फ्यूचरिस्टिक कार को डिज़ाइन किया। और इस 100 मिलियन यूरो की पार्टनरशिप का नतीजा था लेम्बोर्गिनी टेर्जो मिलेनियो। और ये कार अपने बॉडी के डैमेज्ड एरिया को रिपेयर करने के भी कैपेबल थी। और आज मैं आप लोग को यही एक्सप्लेन करूँगा कि ये कार ऐसा कैसे कर लेती थी। इस कार में कई सारे सेंसर लगे हुए थे जो इस कार की हेल्थ को एग्जामिन करते थे और डैमेज का पता लगाते थे। अगर कहीं बॉडी में डैमेज या क्रैक मिला तो यह कार उस प्लेस को स्पेशल नैनो ट्यूब से भर देती थी, जिसके कारण प्रॉब्लम वहीं रुक जाता था और बाकी बॉडी में नहीं फैलता था। और बस हो गया काम। इस कार में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुआ था वो आने वाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काफ़ी रिवोल्यूशनरी साबित होने वाला था। आप ही सोच के देखिए कि अगर एक बार ये टेक्नोलॉजी आ जाए तो आपको अपनी कार में आए हुए क्रैक्स या बॉडी डैमेज के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको इस कार के बारे में भी बता देता हूँ। ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक कार है जो अपने पावर सोर्स में बैटरीज की जगह सुपर कैपेसिटर्स को यूज़ करती है। सुपर कैपेसिटर काफ़ी जल्दी चार्ज भी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी स्टोर करते हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने इसे इस तरह डिज़ाइन किया था कि ये पूरी एनर्जी एक ही बार में रिलीज़ कर सके, जिसके कारण कार की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होती थी। अब आते हैं इस कार के पावर ट्रेन के ऊपर। इस कार में 4 इलेक्ट्रिक मोटर है, हर ई व्हील के लिए एक मोटर। अब आप पूछ रहे होंगे कि इस कार की प्राइस कितनी है, तो मैं आपको बता दूं कि इस कार की प्राइस ऑफिशियली रिवील नहीं की गई है। अब मैं आपको एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूं, जो कि है 2.5 मिलियन US डॉलर्स। और कुछ र्यूमर्स से भी ये भी पता चला है कि इस कार में कम्बाइंड 838 HP है। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ आज का वीडियो एंड हुआ। मिलता हूँ आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक भी कर देना अगर वीडियो पसंद आया हो तो।